खबर चमोली से है, जहां डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए सीएमओ डॉक्टर अभिषेक गुप्ता ने बताया कि जिला अस्पताल गोपेश्वर और उप जिला अस्पताल कर्णप्रयाग में डेंगू के मरीजों की जांच के लिए एलाइजा मशीन और पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध है। सभी नगर पालिका और नगर परिषद क्षेत्रों में पानी की निकासी, नालियों की सफाई, मच्छरों को मारने के लिए कीटनाशकों का छिड़काव और फॉगिंग के साथ ही व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। मानसून सीजन के आने से पहले ही स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां इसके लिए शुरू हो गई थी। जिला स्तर पे हमारी नगर निगम, पंचायत, जल संस्थान, पेयजल संस्थान सबके साथ मीटिंग हो गई थी और सभी को डीएम साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हो गई थी और इन सभी को जो है निर्देश भी दिए गए थे कि जहाँ जहाँ पर पिछले साल जो है जिन एरियाज में केस आए हैं वहाँ पे लार्वा मारने का पेस्टिसाइडल स्प्रे, फॉगिंग, नालियों का जो है रखरखाव, कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना हो, इन सब के निर्देश दे दिए गए हैं। हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीमें और नगर निगम की टीमें लगातार इन एरियाज का निरीक्षण कर रही है, फॉगिंग कर रही है और पेस्टिसाइड स्प्रे कर रही है, जिससे कि आने वाले ये मानसून सीजन में कम से कम जो है डेंगू के केस आए। हमारे जितने भी चिकित्सा इकाइयाँ हैं वहाँ पे इन मरीजों के लिए, संभावित मरीजों के लिए बेड आरक्षित करना, समय पर जो है उनको इलाज मिलना,